वेलकम बैक टू ऑल आज हम लोग बात करेंगे के वी एस रिक्रूटमेंट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री पे ये रिक्रूटमेंट अभी अभी आया है सो एट द एंड ऑफ दिस ईयर फाइनली ऑल के वी एस लवर गॉट ए गुड न्यूज़ एंड डेफिनेटली इट इज़ वन ऑफ बिग न्यूज़ फॉर ऑल दोज हु आर वेटिंग फॉर पी जी टी टी जी टी फॉर ए गुड प्लेटफॉर्म लाइक केंद्रीय विद्यालय संगठन के वी एस तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म है पी uh, जी और भी पी के लिए जो वेट कर रहे हैं तो ये आ गया है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं ओके लेट्स टॉक अबाउट एट द कंप्लीट एडवर्टीजमेंट तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कंप्लीट एडवर्टीजमेंट आपको यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उसको हम लोग वन बाई वन यहाँ पर कॉल करेंगे राइट तो यहाँ पर आप जैसा देख रहे हो ठीक है डिटेल्स के बाद यहाँ पर आप देखिए जो वैकेंसी आई है तो रिक्रूटमेंट है आपके असिस्टेंट कमिश्नर के लिए ट्वेंट टोटल फिफ्टी टू सीट है डेफिनेटली बड़ा वैकेंसी है हर पोस्ट के लिए प्रिंसिपल्स uh, के लिए भी यहाँ पे टू थ्री नाइन टोटल सीट्स हैं वाइस प्रिंसिपल के लिए भी टोटल टू हंड्रेड थ्री सीट्स है राइट right, तो जो जो है इसके लिए डिजर्व करते हैं वो इसको भी देखेंगे डेफिनेटली uh, फिर यहाँ पर देखिए जो इसके लिए बहुत लोग बेसब्री से इंतजार इंतज़ार कर रहे थे पी पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेन टीचर राइट तो इसमें भी देखिए सब्जेक्ट वाइज चूँकि इसमें जो है वैकेंट सीट्स रहते हैं तो डेफिनेटली सब के लिए अच्छे सीट्स हैं तो मैं तो भाई मैथ्स का टीचर हूँ मैथ का बात करूँगा वन एटी फोर सीट है मैथमेटिक्स के लिए राइट right? और बाकी के लिए भी यहाँ पे डिफरेंट जो आपको दे रखा है तो वो आप देख सकते हो ओके okay? ये पी तो आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा लिंक आपको डिस्क्रिप्सन में है तो वहाँ से आप पूरा डिटेल में देख लेना बट मैथ के लिए वन सीट है सो वन ऑफ़ द बिग uh, एडवर्टीजमेंट आपके लिए जो है बड़ा ये वैकेंसी है मिस नहीं करना है ठीक है डेडिकेटेड वे में लगेंगे डेफिनेटली गोल करेंगे और इस 84 में आपको आपको ठीक है जो अभी आप देख रहे हो आपको वन सीट चाहिए और ये एक सीट आपकी है ठीक है 183 में बाकी लोग बढ़ जाएंगे तो मतलब हर पार्टिकुलर को मैं बोल रहा हूँ कि आपकी एक सीट है ठीक है आपको एक ही सीट चाहिए हाँ ये मत देखना कि वन भाई आपको एक सीट चाहिए और वो यहाँ पर अवेलेबल है नेक्स्ट है आप देखेंगे यहाँ पर फिर टी जी टी टी जी टी इज़ अगेन वन ऑफ द बिगेस्ट टारगेट फॉर द स्टूडेंट्स ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर ओके तो इसमें भी आप देखोगे कि सब्जेक्ट वाइज काफ़ी सारे सीट्स हैं जिसमें मैथामेटिक्स की बात करें तो फोर फोर टू सिक्स चार सौ छब्बीस सीट है और साइंस में तीन सौ चार सीट है अगेन uh, सारे सब्जेक्ट के लिए अलग अलग यहाँ पर आपको सीट्स दिए हुए हैं राइट यहाँ पे इसके बाद लाइब्रेरियन इसको देख लो आप प्राइमरी टीचर म्यूज़िक ठीक है तो पूरी वैकेंसी आई है भर भर के दिया है आपको झोली भर के वैकेंसी आई है वही मिस नहीं करना ठीक है तो सारा डिटेल बाकी जिनको जैसा ज़रूरत है ठीक है हिंदी ट्रांसलेटर है सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है तो हर जो है तबका का इस बार स्टूडेंट इस पर लगने वाला है चूँकि पूरा वैकेंसी जम करके आया है ठीक है तो सब्जेक्ट कंसर्न और फिर जो लाइब्रेरियन और फिर जो डिफरेंट जो है ब्रांच में इंटरेस्ट रखते हैं और उनकी क्वालिफिकेशन है तो वो उसके लिए भी फ़ाइट करेंगे ओके तो ये हो गया इसके बाद हम लोग देखते हैं सीट्स के बाद कि यहाँ पे या पे आपको असिस्टेंट कमिश्नर का पे स्केल वगैरह लिखा हुआ है ठीक है तो ये तो भाई जो ऑलरेडी प्रिंसिपल हैं हेड मास्टर हैं ठीक है, है? आ, तीन ईयर से आ, उनके लिए ये जॉब है ठीक है बाकी क्वालिफिकेशन तो उनमें होनी चाहिए नेक्स्ट आप देखते हैं उसके बाद प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल भी अगर आप बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी एकेडमिक मास्टर और बीएड के अलावा जो है आपको एक्सपीरियंस ठीक ठाक चाहिए होता है राइट यहाँ पर आप एक्सपीरियंस भी देख सकते हो ठीक है पूरा पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा बट एक्सपीरियंस भी अगर आप देखोगे तो इसमें अच्छा खासा आपको एक्सपीरियंस चाहिए जैसे एज ए प्रिंसिपल आपके पास में जो है एक्सपीरियंस हो सकता है या वाइस प्रिंसिपल के रूप में कम से कम पाँच साल का एक्सपीरियंस राइट पाँच साल एज ए पी अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हैं तो पाँच साल उसमें आपका होना चाहिए ठीक है विथ दिस पे मैट्रिक्स लेवल और आ, जो है वाइस प्रिंसिपल अगर अभी आप हैं तो आपका कम से कम दो साल का उसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए इसी तरीके से अगर सिर्फ पी हैं आप तो कम से कम आपको आठ साल का ये होना चाहिए एक्सपीरियंस होना चाहिए पीजीटी टीजीटी अगर आप मिला कर के हैं पहले टीजीटी थे फिर पीजीटी में प्रमोट हुए तो आपको पंद्रह साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सो दिस आर द एक्सपीरियंस फॉर प्रिंसिपल रिक्रूटमेंट ओके इसी के जैसा आप देखिएगा वाइस प्रिंसिपल में है यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सपीरियंस की अगर बात करें एकेडमिक तो है ही वो मास्टर डिग्री और बी जो होता है सो तो उसके अलावा जो एक्सपीरियंस है तो इसमें आप देख सकते हो कि टू ईयर का आपको एक्सपीरियंस एज ए वाइस प्रिंसिपल होना चाहिए राइट right, कोई भी गवर्नमेंट या ऑटोनमस uh, ऑर्गनाइजेशन में सिक्स ईयर एज ए पी होगा तो आप फाइट कर सकते हैं उसके लिए अगर आप सिक्स ईयर पी है तो आप डेफिनेटली इसके लिए जा सकते हैं टेन ईयर पी जी टी टी अगर आप कंबाइंड जो है पहले टी जी टी थे फिर पी जी टी हो गए तो टेन ईयर होना चाहिए आपका सर्विस आवर इस तरीके से आप फिर वाइस प्रिंसिपल के लिए फाइट करेंगे पोस्ट ग्रेजुएट ठीक है जिसके लिए मेरे को बात करना है मैं पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट और जो है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी पीजीटी और टीजीटी पे मेरा खास फोकस है क्योंकि इन्हीं दोनों के लिए मैं तैयारी भी करवाने वाला हूँ मैथमेटिक्स की तो इसमें आप देखोगे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर टीचर में आप देखोगे कि भाई आपको लेवल एट का सैलरी मिलेगा ठीक है या पाने वाले हो बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए ठीक है थीके? ये तो आपके पैकेट में आएगा फर्स्ट मंथ से ठीक है जब भी आपको पेमेंट मिलना शुरू होगा फोर्टी ईयर्स का एज मैक्सिमम है ठीक है डिफरेंट क्लासीफिकेशन है उस पर भी हम लोग बात करेंगे वन बाई वन अब देखिए पीजीटी के लिए इसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वो आपके पास होना चाहिए ये कि एमएससी आपने किया हुआ होगा राइट right? अपने सब्जेक्ट में आ, फिफ्टी परसेंट मार्क्स तो होना ही चाहिए कम से कम एटलीस्ट राइट उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे कि जो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज पूरा पोस्ट लगा हुआ है तो उसके लिए जो सब्जेक्ट है जो आपका पीजी लेवल पे होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे ठीक है तो आप देख लो डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर डिफरेंट आपका मैंसन किया हुआ है तो मैं अगर बात करूँ यहाँ पर मैथेमेटिक्स की तो पी मैथमेटिक्स के लिए आपको मैथेमेटिक्स में पी या तो अप्लाइड मैथेमेटिक्स में पी होना चाहिए मतलब जिस सब्जेक्ट के लिए आप फाइट कर रहे हो जनरली उस सब्जेक्ट में आपका पीजी होना चाहिए राइट उसके अलावा नंबर बी ये है कि आपका बीएड होना चाहिए वन ईयर या टू ईयर का जो भी आपने कर रखा है नंबर सी ये कि प्रोफिसेंसी होनी चाहिए आपकी इंग्लिश एंड हिंदी में ठीक है मतलब आप हिंदी भी हिंदी में भी पढ़ा सकते हो इंग्लिश में भी पढ़ा सकते हो ऐसा आप में जो है स्किल होना चाहिए राइट ये तो कि मिनिमम क्वालिफिकेशन है इसमें आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं बिल्कुल कि सी टेट सी टेट जो होता है ना जो एक इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है पास होना ये पीजीटी के लिए ज़रूरी नहीं है ठीक है नो नीड फॉर पीजीटी अगर आप सी नहीं भी हो तब भी आप पीजीटी अप्लाई कर सकते हो जबकि टीजीटी के लिए सी आपका कंपलसरी हो जाता है सो इट इज़ वन ऑफ द ग्रेट न्यूज़ फॉर दोज हु आर एपियरिंग और हु वांट टू क्वालिफाई इन पीजीटी अगर उसके पास सी नहीं है तो वो पी भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं ठीक है सी नहीं होने पर भी राइट right? बट टी के लिए सीटेट होना ज़रूरी है ओके okay? तो बहुत लोगों के पास सीटेट नहीं होता और के का फॉर्म भरना चाहते हैं और वो पी हैं मतलब पोस्ट ग्रेजुएट की उनके पास में है तो लग जाइए अगर आपने बी कर रखा है तो डेफ़िनेटली पी आपके लिए है ये हो गया इसके बाद फिर पी कंप्यूटर साइंस ये भी एक अच्छा चीज़ है कि भाई अभी बहुत तरह के स्टेट गवर्नमेंट में पी कंप्यूटर साइंस का सीट नहीं है बट यहाँ पे है तो क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं ठीक है बी ई वालों को जो भी इंजीनियर बने हुए हैं बेहतरीन मौका उनके लिए बी ई बी हो सकते हैं या फिर एम एस सी या एम सी आपने कर रखा है तो ये भी आपके लिए है राइट right. तो ये हो गया आपका ओके okay. हाँ अब आप आ, यहाँ पे एक आ, नोट देख सकते हैं फॉर सब सफिमेंटो प्रमोशन प्रोमोशन द इनकमेंट विल हैव टू अक्वायर बी एड और इक्वी वैलेंट डिग्री तो इसमें क्या है कि आपको आगे इसके लिए जरूरत पड़ सकता है बट अभी आपको अगर आप इसमें कंप्यूटर uh, साइंस में जाना चाहते हो तो अभी आपके लिए ये काम कर जाएगा आपके पास में सिर्फ ये जो इसशियल डिग्री है ये होना चाहिए राइट right, ठीक है चलें आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे ये है आपका पीजीटी जी बायो टेक्नोलॉजी तो इसको भी आप देख लेना ठीक है जिसको ज़रूरत है इसका चलें नेक्स्ट हम लोग आते हैं फॉर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी जी पे तो टीजीटी जी के हम अगर बात करें तो यहाँ पे भी देखिए सब्जेक्ट वाइज आपके लिए वैकेंसी यहाँ पर है ठीक ठाक राइट अच्छा अब यहाँ पे आप देखो कि पे स्केल तो लेवल सेवन आपको मिलता है अगर आप टीजीटी के लिए जाना चाहते हो तो ये सैलरी आपको मिलकर रहेगी ठीक है इसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा इसमें थर्टी फाइव ईयर मैक्सिमम अपर एज लिमिट है राइट और क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन में यहाँ पर जो आपको है या तो फोर ईयर का इंटीग्रेटेड जो होता है इसको हम लोग बी एस बोलते हैं ठीक है बी प्लस बी या तो ये हो आपके पास में या तो आपने सिर्फ जो है थ्री uh, ईयर का जो है कर रखा हो बी और अलग से आपने किया हुआ हो वन ईयर का या टू ईयर का जो भी वन ईयर या टू ईयर बी तो ये भी आपका यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा राइट सब डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए जो आपका सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पे तो वो यहाँ पे दे रखा है आप दे सकते हैं यहाँ पे आप देखेंगे तो मैथ्स की मैं अगर बात करूँ तो मैथेमेटिक्स से आपको बैचलर डिग्री इन मैथेमेटिक्स विथ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट ठीक है मैथ अगर आपका है ना तो साथ में आप जैसे मान लो ये मैथ आपके पास में ऑनर्स था तो आपके पास में सब्सिडरी में फिजिक्स या केमिस्ट्री होना चाहिए कोई दो पेपर होना चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटर कोई भी दो पेपर राइट तो बैचलर डिग्री मैथमेटिक्स में हो साथ में इसमें से कोई दो पेपर आपके पास में एज ए सब्सिडरी होनी चाहिए जो जनरली चलता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ राइट अच्छा ये हो गया बी उसके बाद आपके पास में बी होना चाहिए फिर आपने सी टेट पास किया हो देखिए ये आ गया पेपर टू जो होता है ठीक है सिक्स पेपर टू और पेपर वन दो पेपर के लिए सी टेट हम लोग देते हैं तो सी टेट पेपर टू में आपने क्वालिफाई किया होगा ये इंपॉर्टेंट है और नंबर थ्री है वही प्रोफिसंेंसी इन आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ाने आता हो तो टी में थोड़ा लफड़ा है और सिलेबस वाइज भी देखेंगे ना तो मेरे को पी ज़्यादा भाजा ज़्यादा जा, भाता है क्योंकि तो पी में ज़्यादा मैथमेटिक्स है टी थोड़ा सा ज़्यादा बेसिक वाला मैथ मैथ रहता है और इसमें आपको सीटेट भी चाहिए तो इस तरह से पी थोड़ा मैं कह सकता हूँ मेरे अपने हिसाब से ज़्यादा मुझको मजा आता है पी में राइट मैं पी टीचर भी हूँ तो इसलिए यह अदरवाइज ठीक है कि मतलब मैं भी के वी एस लभर हूँ बट मतलब होम सिकनेस कह लीजिए या जो भी कह लीजिए मैंने आ, जो है अपने स्टेट में गवर्नमेंट जॉब ही चुना जबकि मेरे पास में एन और के का भी ऑप्शन था राइट चलो आगे देखते हैं फिर उसके बाद नेक्स्ट है क्या टी टीजीटी में फिर ये आपका न, जो है न, इसके लिए फिजिकल एजुकेशन है यहाँ पे आपका है राइट और एच ई ए डब्ल्यू ई तो न, यहाँ पे भी डिफरेंट तरह का जो पोस्ट जो क्रिएट किया गया है तो उसके लिए भी आप देख सकते हो ठीक है ना ये सब आ, अभी जो है आ, आपको न, ऐड किया गया है और बहुत जगह ऐसे कोर्सेस चल रहे हैं जहाँ पे फिजिकल एजुकेशन फिर डिफरेंट एप्लीकेशन में या डिफरेंट ब्रांचेस में डिप्लोमा का भी चल रहा है तो ये सब भी यहाँ पे क्रिएट किया गया है पोस्ट तो ये एक अच्छा न्यूज़ है ठीक है इस पर भी आप देख सकते हैं जिनके पास भी ये क्वालिफिकेशन राइट देते होगी क्वालिफिकेशन की बात ठीक है तो इसमें क्वालिफिकेशन के बाद जो आप देखोगे लाइब्रेरियन है इसको भी आप देख सकते हो ठीक है मैंने आपको बता दिया कि हर तरह का यहाँ पे लगा दिया गया वैकेंसी तो एक अच्छा न्यूज़ है आपके लिए ठीक है ना जिसको आप देख करके और हर तरह के ब्रांच के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं ठीक है जी अच्छा तो हम लोग इसके बाद बात करेंगे एग्ज़ाम के पैटर्न का कि एग्ज़ाम का आपका पैटर्न क्या रहने वाला है और किस तरह से फाइनली फिर हम लोग सिलेबस पर भी बात करेंगे कोर्स पर भी बात करेंगे तो वन बाई वन, वन हम लोग सब पे बात करने वाले हैं तो आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर तो डिटेल आप इसका देख लीजिएगा डिटेल क्या है तो यहाँ पे देखिए अभी तो फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ है फॉर्म कब से कब तक है वो भी नीचे आएगा बट हाउ टू अप्लाई कैसे अप्लाई करना है ठीक है इसके लिए तो ऑनलाइन ही अप्लाई करना होता है अब तो ऑफलाइन का जमाना चला गया ठीक है डब्लू डब्लू डब्ल्यू डॉट के वी एस संग के वी एस संगठन डॉट नीट इन इस पर जाकर के आप अप्लाई करेंगे वो खुल जाएगा फाइव दिसंबर से आप इसको कर पाएंगे राइट right, उसके लिए पहले से आपके पास में एक ई मेल आई डी होना चाहिए क्योंकि इसी से आप अपने आप को रजिस्टर्ड कर पाओगे राइट अगर नहीं है तो अभी से बना करके रख लीजिए मोस्टली तो रहता ही है राइट उसके बाद क्या है कि वही जिसके पास ईमेल आईडी नहीं है वो बना कर के रख ले ये करने के लिए बोला जा रहा है ठीक है ऑनलाइन से पहले होने पर चूँकि एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ आपको नोटिफिकेशन वगैरह एस एम आता रहता है तो इसलिए वो बहुत ज़रूरी हो जाता है अच्छा उसके बाद क्या है कि आपको जो है काफ़ी केयरफुल होकर पढ़ना है एप्लीकेशन को और जो भी आपको एप्लीकेशन में अपना नेसेसरी डेटा डालना होगा एज़ पर मेट्रिकुलेशन रिकॉर्ड और फिर जो है स्कैन करके डालना पड़ता है आपको आपका फ़ोटो सिग्नेचर ठीक है थम इम्प्रेशन तो ये सब भी करना पड़ेगा तो आजकल तो सारे ही फॉर्म में करने पड़ते हैं तो ये सब तो आप कर ही रहे हो ठीक है आपको बस एग्ज़ाम में पास होना है बाकी ये सब तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा आपको चूँकि फॉर्म तो ही भर रहे हैं लेकिन इस बार फॉर्म भरिए ठीक है पढ़ेंगे डेफिनेटली गोल भी करेंगे ओके तो ये हो गया फिर उसके बाद जो सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए एस सी एस टी ठीक है फिजिकली हैंडी कैप्ट वगैरह के लिए तो ये भी उनके पास में होना चाहिए अच्छा इसके लिए इनको कोई फी नहीं लगेगा ध्यान दीजिएगा ना कोई फीस नहीं है भाई एस सी एस टी और फिजिकली हैंडी कैप्ट को ठीक है तो फ़ी नहीं है तो फ्री में भर रहे हैं तो फ्री नहीं समझिएगा तैयारी करके दीजिएगा ठीक है यानी कि फ्री में अच्छा अब यहाँ पे डिफरेंट फीस लगाया तो गया है ठीक है असिस्टेंट कमिश्नर बनने जा रहे हैं तो तेईस सौ रुपया तो देना पड़ेगा ठीक है बड़ा पोस्ट है पीजीटी के लिए पंद्रह सौ रुपया फॉर्म फी देना पड़ेगा टीजीटी टी के लिए भी उतना ही ठीक है बाकी के लिए भी यहाँ पर लगा हुआ है राइट तो ये तो होगी आपका फॉर्म फी जो आपको देना पड़ेगा आ, ओके उसके बाद प्रिंट आउट आप रख सकोगे ठीक है अपने पास निकाल करके सब तो जो होता है वो सब होगा ही राइट नेम डेट ऑफ बर, बर्थ आप जो है मार्टी जो आपका टेंथ का सर्टिफिकेट है वहाँ से आप फुल फिलअप करोगे जैसे आप केयरफुली करते हो वो सब आपको करना है अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो डेट्स है देखिए तो पाँच दिसंबर से खुल रहा है ठीक है जो ओपन हो रहा है जब आप अप्लाई कर पाओगे वो है आपका फाइव दिसंबर से ठीक है दस बजे के दिन के बाद और आपका जो है ये क्लोज हो जाएगा 26 दिसंबर को जस्ट आफ्टर क्रिसमस ठीक है तो ये हो जाएगा अब रिटर्न टेस्ट कब होगा इसका टेंटेटिव डेट अभी अनाउंस किया जाएगा KBS के वी के वेबसाइट पे अभी अनाउंस नहीं है बट अनाउंस हो जाएगा राइट तो अभी आपको फॉर्म भरना है और चलिए इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहने वाला है ठीक है उसके बाद हम लोग सिलेबस नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे तो देखिए मोड ऑफ़ सिलेक्शन क्या रहने वाला है किस तरीके से होगा तो असिस्टेंट कमिश्नर के लिए जो एग्ज़ाम है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ठीक है कि आपको पेपर वन और पेपर टू दो आपका यहाँ पे एग्ज़ाम होगा जैसे आप पेपर वन में आप देख सकते हो यहाँ पे डेफिनेटली आपको दिख रहा है कि अच्छा ये वन फिफ्टी मार्क्स के लिए होगा ये भी आप देख रहे हो ठीक है सारे ही क्वेश्चन एम रहेंगे वन फिफ्टी मिनट के लिए ये तो आपका है असिस्टेंट कमिश्नर के लिए ठीक है इसमें आपका जो पार्ट वन है वो प्रोफिसेंसी इन लैंग्वेज है इंग्लिश और हिंदी में फिफ्टीन फिफ्टीन क्वेश्चन का उसके बाद जो इसका पार्ट टू है पेपर वन का उसमें आप देख सकते हैं क्या है उसमें आपका प्रस्पेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप वन ट्वेंटी मार्क्स का है ये तो डेफिनेटली आप कमिश्नर बनने जा रहे हैं तो भाई ये तो एग्जाम देना पड़ेगा आपको तो इसमें सारा क्लासिफिकेशन है कहाँ से आपको कितना तैयारी करना है राइट right? फिर जो पेपर टू है उसमें जनरली जनरल अवेयरनेस रीजनिंग प्रोफिशेंसी इन कंप्यूटर मैनेजमेंट सुपरविज़न तो जो भी ज़रूरत होती है कमिश्नर के लिए उससे रिलेटेड यहाँ पे सारा कंसर्निंग जो है आपका आपसे वांट किया गया है ठीक है अच्छा इसके बाद यहाँ पे सिलेबस भी आप देख सकते हो ठीक है सिलेबस ऑफ एग्ज़ामिनेशन यहाँ पे दे रखा है अच्छा इसके बाद हम बात करेंगे ये तो पूरा हो गया ठीक है अच्छा इसके बाद आ जाइए नीचे नीचे आ जाइए पूरा आपको पी मिल जाएगा आप पढ़ सकते हैं जिनको जो है कमिश्नर के लिए देना है ठीक है तो कमिश्नर वाले तो कमिश्नर बन जाएंगे अच्छा इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ नेक्स्ट फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्ज़ाम ठीक है तो ये तो वही चल रहा हमारा आ, ओके ये प्रिंसिपल के लिए आ गया यहाँ पे तो प्रिंसिपल के लिए भी आप देखोगे यहाँ पे कि प्रिंसिपल के लिए भी जो है दो पेपर है फर्स्ट और सेकेंड पेपर वन मार्क्स का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ठीक है वन मिनट के लिए तो यानी कि आपको जो है 150 मिनट में 150 क्वेश्चन करना है ठीक है वन मार्क का सारा क्वेश्चन रहेगा तो ये है आपका प्रिंसिपल के लिए तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ठीक है आ, सारा डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे किया हुआ है 30 मार्क 120 मार्क राइट तो अभी जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है उस पर हम बात कर लेते हैं वो है हमारा पी तो बाकी तो ये जो हैं ऑलरेडी टीचर हैं प्रिंसिपल हैं उनके लिए है ठीक है कि उनको प्रमोट होने का बेहतरीन मौका उनके पास में और पूरा डिटेल दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आएगा और कैसे कैसे आएगा ठीक है तो पढ़ के बिल्कुल तैयारी करनी है कोई यहाँ पे इशू नहीं होने वाला काफ़ी आराम से वो कर पाएंगे ठीक है अच्छा अब हम देखते हैं इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो है ये तो वाइस प्रिंसिपल का आ गया ठीक है ये भी उसी तरीके से जैसे प्रिंसिपल का था ठीक है कुछ उसी तरह का पैटर्न है वहाँ पर राइट अच्छा अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर आ जा रहा है वाइस प्रिंसिपल का ठीक है वाइस प्रिंसिपल के लिए सिलेबस दिया हुआ है पेपर वन पेपर टू करके तो यहाँ पर पूरा सिलेबस यहाँ पे दे रखा है बहुत डिटेल में ठीक है पीडीएफ आपको मिल जाएगा आप वहाँ से पढ़ लेना आराम से इसको अच्छा अब चलते हैं हम एक बात आ गया यहाँ से पीजीटी ओके देखिए आ गया आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर भाई इसी को ध्यान से देखना है चूँकि इस पर काफ़ी फोकस करना है बहुत सारे बच्चे पी किए हुए हैं और उनको नौकरी में आना है ठीक है तो वन मार्क्स का एग्ज़ाम होगा ये इंपॉर्टेंट है 180 एट्टी रहेंगे इसमें और 180 मार्क्स का है वन एट्टी एम सी क्यू होगा और वन एट्टी मिनट है पर मिनट पर क्वेश्चन वाला सवाल है और हर क्वेश्चन के लिए एक नंबर मिलेगा ठीक है तो इसका मतलब है कि आपको टोटल है आप देख सकते हो कि ये जो फुल मार्क्स होगा वो क्या होगा वो होगा आपका 180 180 ठीक है अब 180 में कितना लाना है भाई ये अभी से आप देख लो टारगेट ठीक है 150 से तो ऊपर ही लेके चलिएगा नीचे लेके मत चलिएगा ठीक है सो वी मस्ट टारगेट ठीक है मोर देन 150 मार्क्स ठीक है 150 मार्क्स से मेरे को क्या लाना है ज़्यादा वैल्यू लेना है ठीक है अच्छा अब देखिए तो यहाँ पे जो आपका है उसमें नेचर ऑफ क्वेश्चन कैसा होगा तो आपको लैंग्वेज से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा जैसा कि आप देख रहे हैं ठीक है इसमें जनरल इंग्लिश से दस क्वेश्चन रहेंगे और जनरल हिंदी से दस क्वेश्चन राइट उसके बाद जो पार्ट टू है उसमें से आपका ट्वेंटी मार्क्स का रहेगा आप मार्क्स ऐड करते जाओ इसमें देख लो जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स से टेन क्वेश्चन रहेंगे रीजनिंग से फाइव और कंप्यूटर लिटरेसी से भी फाइव तो ये ट्वेंटी हो गया थर्ड वाला जो है हमारे पास में वो है आपका परस्पेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप से क्वेश्चन रहेगा अंडरस्टैंडिंग द लर्नर से फिफ्टीन अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग से फिफ्टीन क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग इन्वामेंट स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप से टेन क्वेश्चन और प्रस्पेक्टिव से आपको यहाँ पे भी ठीक है तो ये आपका टोटल हो गया टेन टोटल आपका फोर्टी हो गया ठीक है ये स्कूल ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप और परस्पेक्टिव से मिला करके आपका टेन क्वेश्चन रहेगा तब आपका यहाँ पे फोर्टी पूर्व रहा है ठीक है ना तो कहाँ से क्वेश्चन आ गया तो अब आप देखो आपके लिए जो अच्छा जोन है ये ट्वेंटी नंबर का हो गया यहाँ से आपका बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा ये ट्वेंटी नंबर भी हो गया ठीक है इसमें से कुछ कम भी होगा तो फिर भी आपको इस फोर्टी में से तो आपको कम से कम थर्टी आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पर टोटल हो गए ट्वेंटी ट्वेंटी और फोर्टी कितना ये हो गया आपका एटी मार्क्स राइट तो ये एटी मार्क्स में आप अभी से लेके चलो कि आपको कम से कम तो एटलीस्ट जो है जैसा मेरे को लगता है कि कम से कम तो आप सेवेंटी या सिक्सटी से सेवेंटी मार्क्स तो आप ले आओगे आओ ठीक है इतना लाना आपके लिए सही भी रहेगा ओके okay. आगे देखते हैं इसके बाद देखिए फिर क्या है इसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट है वेरी इंपॉर्टेंट वो क्या है वह है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस ये आपका हंड्रेड मार्क्स का है ठीक है तो जो वन एट्टी मार्क्स था हम लोग देख रहे थे ना कितना था हमारे पास में वन एटी मार्क्स तो जो वन एटी मार्क्स है वन एटी मार्क्स में आपके पास में हंड्रेड जो है वो सब्जेक्ट वाला है ठीक है यानी मैथ्स से क्वेश्चन आएगा अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो ठीक है और बाकी जो एट्टी है तो ये कॉमन पेपर जैसा है ये सब के लिए रहेगा राइट सब के लिए चाहे वो कोई भी पेपर है तो टोटल वन एट्टी होता है तो इसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हंड्रेड में आप कितने नंबर लाते हो ठीक है देखिए ये एट्टी वाला जो है ना इसमें आप जो है आपका कम भी मेहनत रहेगा फिर भी आप कम मेहनत रखोगे तो फिफ्टी आएगा मेहनत बढ़ाओगे तो सिक्सटी सिक्सटी फाइव सेवेंटी आएगा ठीक है तो बहुत ज़्यादा इस पर डिपेंड नहीं पड़ता इस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है कि अगर इसमें आप चले जाते हो ना नाइन्टी के पास आसपास ठीक है तो बहुत आपका सिक्योरिटी बढ़ जाता है तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट और तैयारी भी इसी की करनी है अगर उसको आपको सपोज करो कि जो है लास्ट का जो हमारा टेंथ से फिफ्टीन डेज होता है एग्जाम वाला उसमें भी आप पढ़ेंगे तो वो हो जाएगा बट अभी जो भी टाइम मिलता है हमको ना तो उस टाइम में हमको इसकी तैयारी जम करके करनी है मैं इसी की तैयारी आपको कराने वाला हूँ ठीक है अब देखिए अब यहाँ पे जो बुरा जो मोड ऑफ जो आपका सिलेक्शन है उसमें आपको दे रखा है कि देखिए सिक्सटी मार्क्स का जो क्वेश्चन है ना ओके okay, ये द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेंस इसको बोल रहा है ये क्या ये आपका जो प्रोफेशन है जो आपकी टीचिंग आने वाली है उसके लिए इसको रखा गया है सिक्सटी मार्क्स का ये प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट कहला रहा है इसमें डेमो टीचिंग है थर्टी नंबर का और इंटरव्यू है थर्टी नंबर का ये याद रखिएगा ठीक है मतलब इंटरव्यू से पहले होता था अब क्या है अब डेमो टीचिंग भी आपसे लिया जाएगा कि भाई पढ़ाने का स्किल कैसा है आप में कैसा पढ़ाते नर्वस तो ज़्यादा नहीं होते तो भाई नर्वस नहीं होना याद रखिएगा हाँ ऐसा नहीं कि आपने इसमें काफ़ी अच्छा नंबर ले आया और फिर क्या हुआ कि भाई इधर तो है तैयारी ही नहीं अच्छे से तो ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल नर्वस नहीं होना एकदम तो हंसते मुस्कुराते ठीक है कॉन्फिडेंट होके क्योंकि आप पढ़ाते रहते हो ठीक है कोई भी पीजीटी है तो कुछ ना कुछ पढ़ाता रहता है मोस्टली लोग ऐसे होते हैं तो उसी कॉन्फिडेंस के साथ आपको जाना है ठीक है अब बिल्कुल करेक्ट पढ़ाने का कोशिश करना है जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है ठीक है अगर कोई आपको टॉपिक नहीं दिया जाता तो, तो, तो ये आपका सिक्सटी नंबर का काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा राइट तो ये सिक्सटी नंबर का इधर हो गया सिक्सटी मार्क्स का और वन एट्टी मार्क्स का उधर था ठीक है तो टोटल आप कह सकते हो कि टोटल क्या हो जा रहा है तो टोटल हो जा रहा है आपका वन एट्टी प्लस सिक्सटी यानी क्या यानी टू फोर्टी मार्क्स हो जा रहा है भाई कितना हो जा रहा है टू फोर्टी मार्क्स ओके अब ये जो टू फोर्टी मार्क्स है तो इसमें आपको आपका वेटेज यहाँ पे दे रखा है देखिए वेटेज ऑफ रिटर्न टेस्ट एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेशन से डेमो टीचिंग पंद्रह का और इंटरव्यू पंद्रह का तो जो वेटेज है वो फिफ्टीन फिफ्टीन डेमो टीचिंग का है और इंटरव्यू का है और जो आपका रिटर्न टेस्ट है उसका सेवेंटी है ध्यान दीजिएगा ठीक है तो सेवेंटी आपका वेटेज है रिटर्न टेस्ट का जो आप रिटेन टेस्ट दोगे कितने मार्क्स का दोगे 180 एट्टी मार्क्स का तो इसमें आपको 70 तक का वेटेज मिलेगा ठीक है इसमें जितना आप मैक्सिमम ला सको और जो 30 है क्योंकि पूरा 100 होता है ना तो 100 को बांटा गया 70 है सेवेंटी या 30 के रेशियो में तो 70 रिटेन टेस्ट है 30 क्या है तो 30 में आपका दोनों चीज़ है डेमो है और प्लस क्या है प्लस आपका है इंटरव्यू तो डेमो भी फिफ्टीन और इंटरव्यू भी फिफ्टी यानी ये इक्वली वेटेड है ठीक है तो अब जो भी आपका जो फाइनल जो आपका बनेगा यहाँ पे लिख रहा है ना जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा ना वो इसी दोनों के परफॉर्मेंस के जो है कंक्लूज़न पे आपका बनेगा ठीक है दोनों को एक साथ कंसिडर किया जाएगा तो सपोज़ कीजिए ना कि कोई जैसे वन था तो वन में कोई ले आया मैं सपोज़ कर लेता हूँ कि भाई आपने ले आया है वन ठीक है और इधर आपने जो है जो थर्टी नंबर है इसमें आपने ले आया है ट्वेंटी फाइव तो अब उसका जो है पॉइंट तैयार किया जाएगा कितना पॉइंट हुआ ठीक है तो अगर आप इधर से देखेंगे तो अफ्टी आप लेके आए हो वन में तो आपका लगभग जो है एट्टी पॉइंट थ्री परसेंट आएगा तो उसके हिसाब से इधर वो देखेंगे तो सेवेंटी का ठीक है आपको अबाउट फाइव यानी कि आपको फिफ्टी एट ठीक है फिफ्टी एट पॉइंट आपको मिल जाएगा इसमें राइट इस सेवेंटी पॉइंट वाले में और अगर इधर तो सिक्सटी नंबर का था टोटल ना टोटल आपका सिक्सटी का था यस टोटल सिक्सटी का सिक्सटी में अगर आप सपोज़ करो कि आप फिफ्टी लेके आए हो कितना फिफ्टी फाइव ज़ीरो तो इधर जो है आपका जो आपको मिलेगा वो थर्टी में ट्वेंटी फाइव मिल जाएगा ठीक है ओके क्लियर है क्योंकि आपका ये भी एट्टी परसेंट से अबव है तो अबाउट ट्वेंटी फाइव तो आपको इन दोनों का जो सम आएगा तो वो आ जाएगा आपका एट एटी थ्री राइट ओके okay, तो अब आपका जो 100 पॉइंट है उसमें आपका 83 पॉइंट बन रहा है ठीक है पॉइंट आउट ऑफ 100 तो इस तरीके से आपका रैंक बनेगा तो ये तो काफी अच्छा फिगर मैंने दिया है कोशिश करना है आपको कि वन फि फिफ्टी से आप एव चले जाओ इधर आप सिक्सटी से अभव लेके आओ तो आपकी सिक्योरिटी बिल्कुल बढ़ जाएगी ठीक है तो हो क्या रहेगा आपके एग्ज़ाम में चिंता नहीं करना ठीक है सिलेबस को के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे ठीक है तैयारी अच्छी रहेगी क्योंकि देखिए कॉम्पिटिशन इसलिए बढ़ता जा रहा है ना कि ऑनलाइन टीचर्स बढ़ते जा रहे हैं फ़िल्टर करना काफ़ी ईजी हो जा रहा है कि कौन अच्छे टीचर हैं तो आप फ़िल्टर करके पढ़ रहे हो तो आपको क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है तो इसलिए क्या कम्पटीशन भी टफ़ होता जा रहा है चूंकि हर बच्चा अच्छा तैयारी कर रहा है बत कोई नहीं आपको एक सीट चाहिए ठीक है कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस के साथ आप तैयारी करेंगे और जाके आप इंटरव्यू में और डेमो में कॉन्फिडेंस दिखाएंगे तो डेफ़िनेटली आपका गोल जरूर हो जाएगा ठीक है तो ये मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया कि कैसे आपका यहाँ पे रैंक बनेगा लास्टली ठीक है ओके तो तैयार रहना एग्ज़ाम के लिए अच्छा तो फिर टी जी भी बात कर लेते हैं आ, ये आ गया पी अच्छा पी का तो पी तो क्या रिपीट कर रहा है क्या अच्छा ये सिलेबस दे रखा है जो आपका सिलेबस है ना वो आप सिलेबस देख लीजिएगा ठीक है जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन फिर रीजनिंग एबिलिटी का तो उसके लिए डिटेल में दे रखा है सिलेबस ये आप सिलेबस देख लीजिए यहाँ पे जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है या जो सब्जेक्ट का सिलेबस है उसके में लिए मैं अलग से बात कर लूँगा ठीक है तो अंडरस्टैंडिंग द लर्नर या पूरा पी आपको मिल जाएगा इसमें आपको कहाँ कहाँ से पढ़ना है ये सब आपको जनरली जो अच्छे गाइड भी आते हैं मार्केट में वहाँ से भी आप तैयारी कर पाएंगे ठीक है क्लियर है अच्छा अब चलते चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग चलते हैं हम लोग टी की तरफ ओके okay? कि टी में आपके लिए क्या रहने वाला है तो नेक्स्ट हमारा है टी आ गया भाई देखो टी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में भी एग्ज़ाम का जो परफॉर्म जो परफॉर्मा होगा जो एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर होगा ठीक है वो वही है जो पी के लिए था 180 क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं ठीक है 180 क्वेश्चन 180 एट्टी एम है ठीक है सारा 180 मार्क्स के लिए एक नंबर का एक क्वेश्चन और 180 मिनट तो जो है लगभग पी के ही जैसा है और यहाँ पे भी आप देखोगे तो क्लासिफिकेशन वही 20 मार्क्स का प्रोफेसेंसी इन लैंग्वेज 20 मार्क्स का कंप्यूटर रीजनिंग वगैरह ठीक है 40 मार्क्स का आपका वही लीडरशिप uh, और परस्पेक्टिव ऑन एजुकेशन तो ये भी आपका लगभग वही उसी के जैसा है और 100 मार्क्स का फिर से अगेन आप देख सकते हो सब्जेक्ट स्पेसिफाइज ठीक है इसमें भी आपका जो मैथ का सिलेबस है उसको मैं अलग से बताने वाला हूँ और इसमें भी जो वेटेज वाला सिस्टम है वो वही है जो मैंने अभी आपको बताया तो इसी तरीके से यहाँ पे भी होगा ठीक है सिक्सटी मार्क्स का आपका प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट टेस्ट होगा जिसमें थर्टी मार्क्स का डेमो और थर्टी मार्क्स का इंटरव्यू इक्वली होगा प्रोबेबल ठीक है और फाइनली जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो इसी सट सेवेंटी थर्टी के रेशियो के आधार पर आपका बनेगा जैसे मैंने आपको बताया तो देखिए यही रहने वाला है एग्ज़ाम ठीक है और सिलेबस भी मैंने आपको दिखा दिया और दो तो फाइनली ये कंक्लूड करते हैं कि एक्चुअली आप देखेंगे कि जो दो पार्ट में आपका है ना जैसे मान लीजिए एक आपका पेपर वन है और एक आपका पेपर टू है राइट तो पेपर जो वन का तैयारी है ना ये बहुत इजीली हो जाएगा आप ऐसे भी देखते जा सकते हो उसको डेली बट ये लास्ट के टेन से फिफ्टीन डेज में बहुत अच्छा तैयारी हो जाता है ठीक है एग्ज़ाम का टाइम भी होता है तो काफ़ी अच्छा आप पढ़ पाते हो विद द रिविजन ऑफ दिस पेपर क्योंकि इस पेपर को हम लोग अभी से लेकर करेंगे तो लास्टली सिर्फ रिविजन करना पड़ता है पॉलिश करना पड़ता है टेस्ट वगैरह ज़्यादा ज़्यादा देना पड़ता है ठीक है तो ये पेपर वन पेपर टू पूरा रहा आपके लिए स्ट्रक्चर मैंने बता दिया कैसे आपका मेरिट बनेगा तो अभी आप फॉर्म भरने पर ध्यान दीजिए फॉर्म अच्छे से भर दीजिए अब बहुत जल्दी मैं कोर्स लॉन्च करूंगा तो अभी आप मेरे YouTube चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए ठीक है इसको इस पर अपडेट आता रहेगा टेलीग्राम लिंक भी आपको मिल जाएगा उसको भी आप लिंक से ऐड हो जाइएगा ठीक है डाउनलोड करके और जो है आप मेरे साथ लगे रहिए जैसे भी अनाउंस होता है तो मेरा एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ जा के आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखिए ठीक है जैसे ही मैं ए, पी और टी के लिए कोर्स अनाउंस करूँगा आपको वो दिख जाएगा काफ़ी कम रेट में ठीक है वो आपको कोर्स मिलेगा और काफ़ी अच्छे से जो हमारा सिस्टम है पढ़ाने का उससे मैं आपको बताऊँगा ठीक है कॉन्फिडेंस अर्न होगा याद रखिएगा गाइड आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइड आपका नॉलेजेबल भी होना चाहिए ठीक है जो अच्छा नॉलेज प्रोवाइड करे और जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है एम स्किल ठीक है कि देखिए एम आपको एक मिनट एवरेज है कि आपका सोल्व होना चाहिए और जो स्टैंडर्ड है ना के का याद रखिएगा के का स्टैंडर्ड क्या होता है बहुत अच्छा होता है ठीक है ऐसा नहीं कि लो स्टैंडर्ड होता है आप सिलेबस देखना कि सिलेबस तो काफ़ी सिंपल है बट उसमें लिख रखा है कि ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चंस तैयार किए जाएंगे तो उसका मतलब ये है कि सिलेबस तो इजी है बट जो ग्रेजुएट लेवल का एक स्ट्रेंथ होना चाहिए नॉलेज का उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो वैसी तैयारी करेंगे डेफिनेटली ठीक है अच्छा अगर नॉलेज है अच्छा आप में अगर एम स्किल है ठीक है आपने क्वेश्चन कर रखे हैं ना कॉन्फिडेंट हो एग्जाम कभी नहीं छूटेगा ठीक है तो मैं आपको पॉजिटिव एनर्जी भी प्रोवाइड कराता रहूंगा ठीक है और टाइम टू टाइम जो है बातें चलती रहेंगी इसी तरह हम के हम लोगों की ठीक है कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहेगा डेफ़िनेटली आप एग्ज़ाम गोल करेंगे ठीक है तैयार हो जाइए कमर कस लीजिए ठीक है तो अभी मैं पी की तैयारी कराने में बिजी हूँ ठीक है झारखंड में पी जो चल रहा है काफ़ी बड़ा एग्जाम है चूँकि इसका सिलेबस भी काफ़ी निराला है और जगह से ठीक है बहुत अच्छा है मज़ेदार है सी सी आर नेट्स भी मिलता जुलता है तो अभी उसकी तैयारी क्लोज़ होने वाली है उसके बाद आपको फ़ौरन से जो है हम लोग इस पर पी पे लग जाएंगे और टी जी पे भी लग जाएंगे ठीक है थैंक यू वेरी मच